टेनिस की दुबई ओपन प्रतियोगिता में लगातार दो साल हारने के बाद टिम हैनमैन इस बार कोई मौका नहीं खोना चाहते थे। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी का मुकाबला जिम्बाब्वे के वेने ब्लैक के साथ था। हैनमैन ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया। दूसरे सेट में ब्लैक ने थोड़ा संघर्ष किया मगर यह सेट भी हैनमैन ने 6-4 से जीत लिया। दुबई ओपन के ही दूसरे मैच में जर्मनी के बोरिस बेकर का मुकाबला स्वीडन के बहुत ही कठिन खिलाड़ी जोनास ब्योर्गमैन से था। जोनास ने अपने बेहतर खेल से बेकर को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हरा दिया। So, Jonas Björkman knocking out the crowd. मगर इस प्रतियोगिता का यह मैच पिछले वर्ष के चैंपियन एलेक्स के लिए दुखद साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू विलेर ने हालांकि पहला सेट 4-6 से गंवा दिया मगर दूसरा सेट एंड्रू ने 6-4 से जीत लिया। तीसरा सेट रोमांचक रहा मगर यह सेट भी जीतकर एंड्रू ने सबको अचंभित कर दिया। His best win to date of a young career and surely